ठीक है, ये अपाचे BS6 मॉडल है। आपको इसका फ्यूज किस तरह चेक करना है और फ्यूज बॉक्स में क्या क्या चीज़ आता है, ये इस तरह कुछ रहता है जिसको हमने खोला है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ होता है और कैसे चेक करना है इस चीज़ को हम बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ से खोल लेना है, कंजेस्टेड जगह है आपका, तो ऊपर लाकर इस दो को, इसको और इसको दबाना है आपको इस तरह, ये ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद आपको इसके डब्बा के नीचे, कवर के नीचे दिखेगा आपको, देख रहे हैं, मेन रिले, फ्यूल पंप रिले, एक फ्यूल पंप रिले है, एक मेन रिले है, ठीक है, और एक 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 10 एम्पियर, ये जो देख रहे हैं स्पेयर फ्यूज है ये, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं एक ABS फ्यूज हो गया, ये 10 एम्पियर, एक लोड फ्यूज हो गया 15 एम्पियर, एक 5 एम्पियर हो गया ABS का फ्यूज, जो कि ABS वर्क नहीं करता है, तुरंत में कट जाता है, तो आप ABS ये 5 एम्पियर को चेक कीजिए, और ये ECM, ठीक है, ECM, ECU, ठीक है, ये जब भी वर्क ना करे, मतलब डिस्प्ले उस्प्ले गायब हो जाए, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ्यूज को किस तरह चेक करना है हम इसको बता रहे हैं हम आपको। आपको करना क्या है ना, मल्टीमीटर लेना है, जो कि इस तरह सिंपल मल्टीमीटर रहता है हमेशा, आप इसको करना क्या है ना, ये हॉर्न वाले पे लाना है, डीप पे, ठीक है, यहाँ पे लिया है इसको, कनेक्टिविटी इसको चेक करने के लिए यहाँ पे लाएं, और इसका रहा प्लस माइनस, इसको टच करना है यहाँ पे, कुछ इस तरीके का आपको सुनाई देगा, अगर इस तरीके का सुनाई दे रहा तो ठीक है, ओके है आपका मल्टीमीटर। फिर आपको करना क्या है ना, ये सब एम्पियर तो आपका, सॉरी, ये सब फ्यूज तो आपका स्पेयर है, तो आपको चेक करना है इसको, इन दोनों को, ये सब तो आपका स्पेयर फ्यूज आ गया, ये रहा आपका, यही ABS है, लोड है, मेन फ्यूज सब है, ECM का फ्यूज आपको यही मिलेगा। ठीक है, इसका फ्यूज को निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किस तरह निकलेगा ये हम बताएंगे आपको अभी। इससे पहले आपको चेक करना है, चेक किस तरह करना है, अगर ये पॉइंट देख रहे हैं ये दो, इसको टच करना है और इस तरह बजे, आपको आवाज़ आए तो समझ जाइए ये ओके है, इस तरह साउंड करेगा तो आप समझ जाइए ओके है। फिर इसी तरह सेम सबको चेक कर लेना आपको, ठीक है, इसी तरह आप फ्यूज को चेक कर सकते हैं। और इसको निकालने के लिए यहाँ पे कंपनी एक दिया है, ठीक है, इसको आपको निकाल लेना है, आसानी से तो नहीं निकलेगा, इस तरह इसको कुछ रिमूव कर लेना है, इसको करके ये इधर से वर्क करेगा, इधर से, ठीक है, यहाँ पे इसे लगाना है और थोड़ा सा दाब के इसको खींच लेना है इस तरह कुछ, ठीक है, लगाने समय आप हाथ से भी लगा सकते हैं इसको, ठीक है, इसी तरह आप इसको भी घिस सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कोर बना हुआ है, यही फंसेगा इसमें कुछ इस तरह, ठीक है, ये ख़राब हो रहा है, इस तरह आपका निकल जाएगा इजीली, इस तरह आप फ्यूज को रिमूव कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।